आइए समझते हैं कि मिराज 2000 फाइटर जेट भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कितने बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 फाइटर जेट सम्मिलित हुए। मिराज 2000 को कौन कौन से देश काम में लेते हैं। मिराज 2000 फाइटर जेट की महत्वपूर्ण विशेषता। मिराज 2000 इसे वज्र के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और इससे पहले आपको एक घटना याद होगी, जम्मू कश्मीर के पुलवामा 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के द्वारा CRPF भारत के जवानों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। इसी के 12 दिन बाद लगभग 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर हमारे भारत की इंडियन एयरफोर्स घुसकर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक कर देती है, जिसके कारण से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का खात्मा हो जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा इनका पत्ता हट जाता है। भारत की मीडिया के द्वारा दावा किए जाते हैं कि पाकिस्तान के 200 से 300 आदमी मारे गए थे। ऐसा करके भारत को सुकून महसूस हुआ क्योंकि CRPF के जवानों का हम बदला ले चुके थे। इसी बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर मिराज 2000 के एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पूरे 12 मिराज 2000 फाइटर जेट काम में लिए गए। मिराज 2000 फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी फ्रांसीसी डसाल्ट एविनेशन के द्वारा इसमें इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर दो इंजन डाले गए हैं, टर्बोफोन स्नेकमा M53। ये ऐसा एयरक्राफ्ट है, फोर्थ जनरेशन का जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 10 मार्च 1978 को हमको देखने को मिली। इसको काम में लेने वाले देश जैसे फ्रांस, UAE और साथ में ही आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको काम में लेता है और हमारे भारत की आन बान शान इंडियन एयरफोर्स इसको काम में लेती है। जय हिंद जय भारत।